IPL वो क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका बच्चों से लेकर पूर्ण है सब साल भर इंतजार करते हैं ताकि नेल बाइटिंग फिनिशेस और चौकों छक्कों की बारिश देख सके। आज के टाइम में IPL BCCI की सोने की खदान है जो हर साल BCCI को और ज्यादा अमीर करती जा रही है और इसने BCCI को इतना ताकतवर बना दिया है कि ICC पर पूरी तरह से इनका कंट्रोल हो गया। सभी इंटरनेशनल खिलाड़ी IPL खेलना चाह रहे हैं और खेलेंगे भी क्यों नहीं, अगर क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ियों को खरीदने में टीमें 16 करोड़ तक खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन जो सबसे अजीब बात जो IPL के बारे में लोगों को लगती है वो इसकी प्राइज मनी जो अभी 20 करोड़ है। कोई भी टीम 16 करोड़ में एक प्लेयर को खरीद कर सिर्फ 20 करोड़ क्यों जीतना चाहिए। हाल ही में ये बात भी न्यूज में थी कि अगर IPL कैंसिल होता है तो BCCI को 4000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। तो आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है, जानेंगे सभी आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। IPL में सबसे पहले BCCI की कमाई की बात करते हैं। BCCI की ज्यादातर कमाई IPL के मीडिया राइट्स से होती है, यानी जिस भी चैनल पर IPL दिखाया जा रहा है वो चैनल उन्हें पैसा देता है। 2008 से 2018 के बीच 10 साल के लिए सोनी ने BCCI से राइट्स 8200 करोड़ रुपए में खरीद लिए थे और हर साल 10% यानी 820 करोड़ रुपए चुकाकर सोनी ने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। लेकिन इन 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। एक टूर्नामेंट जो एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था वो इस देश की धड़कन बन गया था और जाहिर सी बात है इससे IPL की ब्रांड वैल्यू में भी काफी उछाल आया था। इसीलिए तो जब स्टार स्पोर्ट्स को IPL के राइट्स खरीदने थे तब उन्हें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 16,347 करोड़ रुपए चुकाने पड़े, यानी IPL के मीडिया राइट्स से पहले जहां BCCI को 820 करोड़ रुपए मिल रहे थे, स्टार के आने के बाद हर साल उन्हें 4 गुना ज्यादा यानी कि 3,269 करोड़ रुपए मिलने लगे। इस पूरी कमाई में से BCCI 40% तक का हिस्सा टीम्स में बांट देता है और बाकी रेवेन्यूज अपने लिए रख लेता है। इसके अलावा आपने देखा होगा IPL, GLF IPL से पेप्सी IPL हुआ, फिर वीवो IPL और कुछ वक्त के लिए ड्रीम 11 ने भी इन्हें स्पॉन्सर किया। इस स्पॉन्सरशिप डील से भी BCCI को काफी मोटा पैसा मिलता है। IPL के पहले 5 साल GLF ने IPL को 200 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद पेप्सी से IPL की डील 329 करोड़ रुपए में हुई। लेकिन 2012 में हुए स्पॉट फिक्सिंग विवाद के बाद पेप्सी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और इसके बाद वीवो ने 2 साल के 200 करोड़ रुपए देकर IPL को स्पॉन्सर किया। जब वीवो को इसमें प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने अपना 5 साल का एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें उन्हें BCCI को 2199 करोड़ रुपए देने पड़े, यानी हर साल 400 करोड़ से भी ज्यादा। चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर चलते विवाद के कारण वीवो को IPL से दूर रहना पड़ा और ड्रीम 11 ने 1 साल के लिए IPL को 229 करोड़ में स्पॉन्सर किया। इस डील का भी 40% हिस्सा BCCI अलग अलग टीम्स को बांट देता है। इसके अलावा BCCI की कमाई का तीसरा बड़ा जरिया है ये टीम्स। रूल्स के मुताबिक चाहे कोई फ्रेंचाइजी प्रॉफिट में रहे या लॉस में, उन्हें अपनी पूरी कमाई का 20% हिस्सा BCCI को देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये टीम्स इतना पैसा कहां से कमाती हैं। इन टीम्स के 2 रेवेन्यू सोर्सेस जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स की जो हिस्सेदारी है वहां से इनकी पहली कमाई होती है और फिर आते हैं टीम के अपने खुद के स्पॉन्सर। एक प्लेयर की टी शर्ट पर 10 स्पॉन्सर्स तक अलाउड है और यकीन मानिए कि जब ग्राउंड में विराट कोहली, MS धोनी और मैक्सवेल जैसे प्लेयर होंगे तो कोई भी कंपनी पानी की तरह इन पर पैसा बहाने के लिए तैयार रहेगी। ये टीमें इसलिए भी स्टार प्लेयर्स को खरीदती हैं ताकि उन्हें बढ़िया स्पॉन्सरशिप डील मिले। अब इसके बाद जिस भी ग्राउंड में मैच होता है उसकी होम टीम को उससे होने वाली टिकट सेल का 80% तक हिस्सा दिया जाता है और 20% उस स्टेट की क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में जाता है। यानी स्टेडियम जितना बड़ा होगा उतनी जनता आएगी और उतना ज्यादा मुनाफा होगा। इसी कारण कोलकाता और मुंबई में होने वाले मैचेस की टीमों को ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि इन स्टेडियम्स की कैपेसिटी ज्यादा है। इसके अलावा स्टेडियम पर जितने भी बैनर्स और इश्तिहार लगे होते हैं उनका भी सारा रेवेन्यू टीम की जेब में जाता है। एक अनुमान के मुताबिक हर IPL टीम को लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए की कमाई इन सब चीजों से होती है। पर IPL टीम ओनर्स को कई तरह के खर्चे भी करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लेयर्स को खरीदना, उनके खाने पीने रहने और फ्लाइट्स के खर्च को देखना, सपोर्ट स्टाफ और कोचेस की सैलरी भी इसी का एक हिस्सा है।
पिछली रिपोर्ट्स में देखा जाए तो आईपीएल की कई टीमें कई सालों तक प्रॉफिट नहीं बना पाई और इन सब खर्चों के कारण लॉस में ही रही। इसके साथ साथ आईपीएल टीमें अपनी एड्स भी बनाती हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स का विसल पोडु एंथम, इसमें भी टीम का खर्चा आता है, पर साथ में इससे टीम की फॉलोइंग बढ़ती है और टीम की फॉलोइंग से ज्यादा टिकट्स बिकती हैं और ज्यादा स्पॉन्सर्स भी आते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी की कमाई का एक और जरिया है जिसके बारे में कम बात होती है और वो है प्लेयर्स को ट्रेड करने का। आईपीएल टीमों को ऑक्शन से पहले दो बार और ऑक्शन के बाद भी एक बार प्लेयर्स को ट्रेड करने का टाइम दिया जाता है, जिसमें एक टीम चाहे तो दूसरे से उनका कोई प्लेयर खरीद सकती है। जिसमें जरूरी बात यह है कि इसमें प्लेयर की रजामंदी होना भी जरूरी है और प्रॉफिट में मिलने वाला सारा पैसा प्लेयर और टीम के बीच में बराबर बांटता है। अगर कोई टीम लॉस में अपने प्लेयर को ट्रेड कर रही है तब भी प्लेयर को ऑप्शन कही गई पूरी रकम मिलती है। आईपीएल टीम्स के आखिरी दो रेवेन्यू सोर्सेज हैं मर्च और आईपीएल विनर मनी। आपने देखा होगा स्टेडियम में लोग अपने फेवरेट टीम की टी शर्ट से लेकर मास्क तक पहनकर आते हैं। इन सब मर्चेंडाइज को बेचकर भी टीम की कमाई में इजाफा होता है और अगर कोई टीम आईपीएल जीत जाए या टॉप फोर में भी आ जाए तो आईपीएल के रूल्स के मुताबिक आपको 50% हिस्सा प्लेयर्स में बांटना होता है और बाकी का पैसा चाहे तो टीम रख सकती है। रेवेन्यू के अलावा जो अगला टीम का फायदा होता है वो है ब्रांड प्लेसमेंट। अगर आप मुकेश अंबानी या विजय माल्या को देखें तो ये अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। माल्या ने तो अपनी टीम का नाम ही रॉयल चैलेंजर्स रखा हुआ है। इस तरह की चीजों से इनके अपने ब्रांड्स भी मजबूत होते हैं और देश भर में उनको लेकर एक विश्वास पैदा होता है जो आगे जाकर उनके लिए पैसा बनाता है। यानी अगर आपके पास एक आईपीएल टीम है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने पर अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के अलावा एक और भी पार्टी है जो इसमें तगड़ा पैसा बना रही है और वो है आईपीएल के ब्रॉडकास्टर। टाइम इज मनी के कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से कोई समझ पाया है तो वो है ये ब्रॉडकास्टर्स, पहले सोनी और अब स्टार स्पोर्ट्स। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से लेकर ओवर और इनिंग्स के ब्रेक्स को मिलाकर लगभग इन चैनल्स को 2300 सेकंड्स मिलते हैं जिसमें वो एड्स दिखा सकते हैं और हर एक सेकंड की कीमत 5 लाख रुपए है। यानी 10 सेकंड की एड दिखाने के लिए कंपनीज को इन्हें 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं और हर मैच में ये लोग लगभग 115 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और अगर 45 दिन तक भी ये आईपीएल चलता है तो इनकी कुल कमाई 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। इसी सीजन आईपीएल की दो नई टीमों के आने के बाद मैचेस भी ज्यादा होने लगेंगे और उससे इनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर भी आप एक वीडियो चाहते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।